गुड मॉर्निंग। टुडे सेशन इज 94 और जो आज हम डिस्कस करेंगे वो हमारा 93 सेशन का ही पार्ट टू है, नाइट्रोजन साइकिल, जिसमें हम फर्दर जो प्रोसेस है उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो आपका प्लांट्स में, एनिमल्स में और आपके एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा यूज होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इट इज अ फ्री अवेयरनेस इनिशिएटिव ऑन अ वर्ल्ड फिशरीज डे 2022। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल एंशियंट इंडिया एग्री बिजनेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द लेटेस्ट अपडेट फॉर अवर अपकमिंग वीडियो। इट इज अ इनिशिएटिव टुवर्ड्स द सक्सेस ऑफ एक्वाकल्चर। और जितना भी कॉन्टेंट होगा वो हमारा हिंदी और इंग्लिश में होगा। एक कदम मत्स्य पालन सफलता की। तो अभी तक हमने जो प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था वो हमने नाइट्रोजन साइकिल को किया था, उसका इंपॉर्टेंस जितना आपके प्लांट्स में है उतना ही एनिमल्स में है, उतना ही ह्यूमन बीइंग में है, उतना ही हमारा एटमॉस्फेयर में है। उसके बाद जो हमने डिस्कस किया था नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फ्रीली अवेलेबल है अपने एटमॉस्फेयर में अराउंड 78%, बट वी कैन नॉट डायरेक्टली कंज्यूम इट। तो ऑलरेडी नेचर ने उसका भी बनाया है, तो जिसमें आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन है, नाइट्रोजन एसिमिलेशन है, अमोनियोफिकेशन है, नाइट्रिफिकेशन है और डीनाइट्रिफिकेशन। आज इन्हीं प्रोसेस को हम डिस्कस करेंगे। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन जो बाय नेचर होता है, जो हमने अपने प्रीवियस सेशन 93 में डिस्कस किया था, आज जो हम करेंगे वो हम अपना करेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इट इज द कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड्स बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी आपके बैक्टीरिया से, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम। बैक्टीरिया आर फाउंड इन द सॉइल, जो स्पेशली आपको सॉइल में मिलते हैं। They are also found in the root nodules of leguminous plants like peas and beans. These bacteria can fix atmospheric nitrogen into nitrate. तो जैसा कि आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे दाल वाले पौधे हैं, तो जहां पर आपकी soil इतनी fertile नहीं है वहां पे भी आपके दालें वगैरह सब अच्छे से हो जाती हैं, क्योंकि जो उनके जड़े हैं उनमें जो नोड्यूल्स बने हुए हैं वहां पे एक बैक्टीरिया वर्क करता है जो आपका राइजोबियम बैक्टीरिया है। वही राइजोबियम बैक्टीरिया जो आपके एनवायरनमेंट की फ्री नाइट्रोजन है उसको कंज्यूम करता है और आपके प्लांट्स को देता है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन। और जब प्लांट्स आपका डेड होता है तो वही आपकी नाइट्रोजन, वही बैक्टीरिया, वही फंगी आपके सॉइल में रहते हैं और जो आपका नेक्स्ट क्रॉप साइकिल आता है उसमें भी वो प्रोवाइड करते हैं। पर ये थोड़ा स्लो प्रोसेस है, बट नेचुरल है, ऑर्गेनिक है। उसके बाद है आपका नाइट्रोजन एसिमिलेशन, कि जो भी नाइट्रोजन है कुछ प्लांट्स कंज्यूम कर रहे हैं पर हम ह्यूमन बीइंग नहीं कर सकते, कुछ एनिमल कंज्यूम कर रहे हैं, तो किस
के अकॉर्डिंग वो आपका प्रोसेस चल रहा है, वो आपका नाइट्रोजन एसिमिलेशन है। द प्लांट्स एब्जॉर्ब दीज नाइट्रेट्स फ्रॉम द सॉयल एंड कन्वर्ट देम इनटू प्लांट प्रोटीन। द नाइट्रोजन पासिस फ्रॉम प्लांट्स टू हर्बीवोरस दैट ईट देम एंड देन टू कार्निवोरस दैट ईट द हर्बीवोर। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट बिकम अ पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड नाइट्रोजन एसिमिलेशन। अगर नॉर्मल लैंग्वेज में उसको समझें तो प्लांट ने आपका नाइट्रोजन लिया, चाहे वो एनवायरनमेंट से लिया, चाहे आपने उसको एनपीके के फॉर्म में दिया, वो ही उसने हर्बीवोर, जो भी आपका हर्बीवोर एनिमल थे उन्होंने कंज्यूम किया, उसके बाद जो भी कार्निवोर एनिमल थे उन्होंने, तो ये पूरा जो नाइट्रोजन का प्रोसेस चला और जो जो उन्होंने कंज्यूम किया, क्योंकि कार्निवोरस डायरेक्टली आपका प्लांट कंज्यूम नहीं कर सकता है, तो उस फॉर्म में जो नाइट्रोजन का प्रोसेस है कंटिन्यूस वो चलता रहता है, वही आपका नाइट्रोजन एसिमिलेशन है। अमोनिफिकेशन उसके बाद है आपका। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई देयर रिमेन आर कन्वर्टेड इनटू अमोनिया एंड अमोनियम कंपाउंड्स बाय डीके बैक्टीरिया एंड फंगी प्रेजेंट इन द सॉयल। This process of conversion of complex organic compounds like protein into ammonia is called ammonification. तो जब भी आपके plants और जो animals हैं, जब भी वो dead होंगे, decay होंगे, उनको bacteria consume करेगा, fungi consume करेगा और उनको soil में दोबारे से return कर देगा। ये ongoing process है जो continuous चलती रहती है। तो अगर नाइट्रोजन की टर्म में बात करें, नाइट्रोजन साइकिल की टर्म में बात करें, तो इसको हम अमोनिफिकेशन बोलते हैं। एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है आपकी नाइट्रिफिकेशन, जिसमें आपकी अमोनिया नाइट्राइट में और नाइट्राइट आपकी नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है। सम ऑफ दीज कंपाउंड्स आर टेकन अप बाय प्लांट्स एंड द रेस्ट आर कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स by nitrifying bacteria present in the soil. The process of conversion of ammonia into nitrates is called nitrification. तो जब भी हमारा प्रोसेस शुरू होगा नाइट्रिफिकेशन का, हमेशा अमोनिया से होगा। अमोनिया आपको कहाँ से मिलेगा? चाहे वो डिके होगा प्लांट्स के प्रोटीन के उसमें, एनिमल के प्रोटीन के उससे, तो तब आपका अमोनिया प्रेजेंट होगा, जिसको आपका नाइट्रोसोमनस बैक्टीरिया नाइट्राइट में कन्वर्ट करेगा और वो फिर सेकंड प्रोसेस में नाइट्रोबैक्टर उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करेगा, जो इजली कंपाउंड है आपके प्लांट्स को कंज्यूम करने के लिए। उसके बाद आपका डीनाइट्रिफिकेशन आता है। डीनाइट्रिफिकेशन जितना भी कंज्यूम किया प्लांट्स ने, प्लांट के कंज्यूम करने के बाद जो आपका फ्री नाइट्रोजन है वो आपके कन्वर्ट होके एनवायरनमेंट में चला जाएगा और आपका प्रोसेस नाइट्रोजन साइकिल का कंप्लीट हो जाएगा और इसी प्रोसेस को हम डीनाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। ये भी बैक्टीरिया की फॉर्म में होता है और ये हमारा नेचुरल प्रोसेस है जो चलते रहते हैं। अगर आपके कुछ भी सवाल हैं, सुझाव हैं, कमेंट, निगेटिव, पॉजिटिव और भी किसी विषय पर आप हमसे जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए, हम उस पर पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन के साथ वो डिटेल आपको देने का कोशिश करेंगे। अगर आप हमसे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर कुछ पूछना चाहते हैं तो 9971155753 इज अ नंबर। वी आर एंशियंट इंडिया एग्री बिजनेसेस, लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडियाज एंड सिक्योर योर इन्वेस्टमेंट। वी आर वर्किंग एज ए प्रोग्रेसिव फार्म, ट्रेनिंग एंड नॉलेज पार्टनर, कंसल्टेंट, बिजनेस प्लानर एंड पार्टनर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एंशियंट इंडिया एग्री बिजनेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द लेटेस्ट अपडेट फॉर अवर अपकमिंग वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा रेस्पेक्टिव ग्रुप में शेयर कीजिए, जिससे सभी के पास वो बेसिक इंफॉर्मेशन हो, जिससे वो समझ सके क्या जरूरी है क्या नहीं। धन्यवाद।